सबसे पहले आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बरीक है, मीर बरीक मंजूर जी। बरीक, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हो और स्कूलिंग आपकी कहाँ से और कहाँ तक? मैं रानावारी में रहती हूँ। आई वुड जस्ट से एग्जैक्ट लोकेशन, मैं डलगा पोरा रानावारी में रहती हूँ। आई हैड माय स्कूलिंग फ्रॉम मिंटो सर्कल स्कूल जी। तो जिस तरीके से ऑल इंडिया लेवल पर आपने ये अवार्ड जीता है, किस तरीके से आपको लगा, कैसे आपने जीता, क्या किया, कहाँ से फिर शो दिन में पड़ गया, थोड़ा सा तफसीलान से बताइए हमारे नाज़रीन को। हाँ, देयर वर द टू रीजंस जो मैंने इग्नोर ऑप्ट किया। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वॉज दैट आई वॉन्टेड टू एक्सेल इन मेनी अदर फील्ड्स। लाइक अगर आप लेते हैं, इफ यू टेक द रेगुलर मोड ऑफ लर्निंग, यू वॉन्ट यू नो आप कन्फाइंड, यू जस्ट रिमेन कन्फाइंड टू अ सिंगल पाथ। आप यू कैनॉट बी इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ, यू हैव टू फॉलो यू नो सर्टन सॉर्ट ऑफ शेड्यूल एंड ऑल। आपको शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इग्नोर लेते हैं या अगर आप डिस्टेंस लर्निंग लेते हैं, आप काफ़ी चीज़ों में एक्सेल कर सकते हैं। लाइक I have, you know, I always believe in, you know, multiple career choice. So, मेरा जो है, I wanted to crack civil services. So, I wanted to, मैं उसी चीज़ पे focus करना चाहती थी, apart from my own, you know, regular curriculum. So, that was the reason मैंने इग्नो choose किया. The second thing was the family responsibilities, you know. I believe कि that मैं यू नो किसी छोटी सी छोटी चीज़ में लोगों की हेल्प करूँ। सो फॉर दैट आई ऑलरेडी डिस्क्लोज दैट आई वॉन्ट टू गो इन सिविल सर्विसेज। तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट राइट फ्रॉम माई होम टू हेल्प इन द स्मॉल कोर्स एंड ऑल। यू नो इट्स नॉट ऑल अबाउट यूटेंसिल्स एंड ऑल, इट्स ऑल अबाउट यू नो आई वॉन्ट टू बी अ सन टू माई पेरेंट्स। सो दैट वॉज अगेन अ रीजन फॉर चूजिंग द डिस्टेंस लर्निंग कोर्स। कैसा रहा सपोर्ट घर वालों का, और अगर देखा जाएगा अपने मोहल्ले वालों का कैसा सपोर्ट रहा? सबसे पहले जो सपोर्ट है वो अल्लाह का था, क्योंकि अल्लाह ने ही हमें यू नो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये रास्ता दिया है कि अगर आप यू नो आप सबसे पहले जो यू नो जो वर्ड नाजिल हुआ था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो था इकरा यानी अलिम। तो अलिम की इम्पोर्टेंस हमारे रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है अगर आपको पढ़ने के लिए कहीं भी जाना पड़े आप जाए, यू जस्ट सिक्योर द नॉलेज। तो सबसे पहले मैं क्रेडिट अपने रिलीजन को देना चाहूँगी। आई ऑल्सो ओ अ लॉट टू माई पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स का मेरा काफ़ी सपोर्ट रहा है। यू नो माई फ्रेंड सर्कल इज़ नॉट दैट बिग, इट्स स्मॉल, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे फ्रेंड्स हैं। सो दे हैव प्रोवाइडेड ट्रेमेंडस सपोर्ट टू मी। मेरे टीचर्स एंड देर आर लॉट ऑफ मेंटर्स जिन्होंने मेरे सपोर्ट किया। आई बिलीव कि अगर आपको कोई इंसान छोटी सी छोटी चीज़ ही क्यों ना सिखाए, ही इज़ योर टीचर। सो आई ओ टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया हो। प्लस आई वॉन्ट एड दैट आई ओ अ लॉट टू इग्नो। Had IGNO not been there, तो मैं यहाँ नहीं होती। हमारे वहाँ रीजनल डायरेक्टर है डॉक्टर शमीम अहमदार, ही हैज़ बीन अ ग्रेट मेंटर, ही हैज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट ऑल द टाइम। सो आई ओ अ लॉट टू IGNO। सो क्रेडिट इन सबको जाता है। अब आखिरी मैसेज क्या रहेगा? मेरी ये मैसेज रहेगी, यू नो हमारे कश्मीर में जो है काफ़ी स्ट्रगल करते हैं बच्चे, बट आई वुड से मैं उनको एक कोट कहना चाहूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि दैट दे जस्ट इस चीज़ पे वो गौर करें, बट मंजिल तो मिलेगी पटक्कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। बस उठो।